आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है, ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। वाकई में प्रियंका और उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे, ये वो सपना है जो घर घर में वो भी अपने पास ऐसा ही समझे जैसे कोई पुरुष है, कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जा रहा है, करता ही जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे भीलवाड़ा को मैं इनवाइट करूं, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। मैं भीलवाड़ा जाकर इस चमत्कार को देखना चाहती हूं कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज मुझे एक दिन समय दे, मैं भीलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूं और समझना चाहती हूं। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है, ये उदाहरण है आपका, आपने कर दिखाया है। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएम को, आपको धन्यवाद करती हूँ, उन माँ बाप को नमन करती हूँ जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया, ये एक एब्सोल्यूटली एस्टोनिशिंग है, इट्स एब्सोल्यूटली एस्टोनिशिंग, एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का मैं उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। आप बहुत कुछ, बहुत सारे लेसन्स दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन्स दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है। ये एक मैसेज हर भारतीयों के, हर मैसेज हर परिवार को है, हर परिवार जो कि इकोनॉमिकली कर सकता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी रखता है, काबिलियत रखता है, उसके बाद धन भी है, टैलेंट भी है, वो कैसे चमत्कार सारे परिवार को जुड़ के, चाहे वो माँ बाप हो चाहे ससुराल हो, किस प्रकार वो कर सकता है ये चमत्कार। इसलिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करती हूँ उतना ही कम है, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही कामयाब होते रहें और एक ये नेशनल प्राइड बन के दिखाएं। की सोल एक नेशनल प्राइड बने। उसकी शर्त यह है कि इस परिवार में, इस काम में, इसकी नियत में, इसकी मेहनत में कोई भी खोट ना पाए, कोई भी खोट ना पाए, कोई भी इसको डिवाइड ना करे, कोई इस पर दाग ना लगे, इसमें ईमानदारी और लगन और तपस्या, जुनून जुड़ा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और उसका कर्तव्य, प्रियंका ने बोला है, उसका कर्तव्य हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हर महिला, हर पुरुष जो इस की सोल से या आरसीएम से जुड़े, उसका एक प्रण होगा कि मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा या करूंगी जिसमें आरसीएम पर कोई भी आंच आए। ये हमारी भक्ति है, आरसीएम और की सोल आपकी भक्ति है, हमारी भक्ति है, ये घर घर की भक्ति है, क्योंकि ये भक्ति आप
आपको नहीं, आपको ही नहीं, आप राष्ट्र निर्माण में वाकई में जुड़े हुए हैं। और आप हर व्यक्ति, हर महिला जब अपने परिवार को इकोनॉमिकली सफिशिएंट करती है, वो हमारे देश को ताकतवर बनाती है। क्योंकि जब हर महिला जब घर में जाके इकोनॉमिकली इंपावर्ड होती है, उसका घर ज्यादा हेल्दी होता है, अच्छा पढ़ लिखता है, उसके माँ बाप का हेल्थ केयर हो जाती है, सारा घर का परिवार का माहौल बदलता है, क्योंकि वो ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सेल्फ रिलायबल हो जाता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको बहुत समझदारी से इसको आगे, इस मूवमेंट को ले जाना है। 5 साल बड़ी छोटी उम्र है, लेकिन 5 साल में आपने ये चमत्कार दिखा दिया, तो 10 साल के बाद क्या होगा, आप तो हर आगे होंगे। इसलिए इस व्यक्ति, इसमें जुड़े जो भी आप काम करें, इसको भक्ति समझ के करना, इसको पूजा समझ के करना, इसको ईश्वरीय कृपा समझ के करना, ये हमारा कर्तव्य होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे माहौल देखे हैं, मुझे डर लगता है, डर लगता है। डर किस चीज से, कि नजर ना लगे। इसलिए सारे परिवार की स्वस्थ, उनकी शुभ, हमारी सारी प्रार्थनाएं इस परिवार की तरक्की पे लगे रहे, ताकि, क्योंकि इस परिवार ने तो निर्मात इसको बनाया है, ये उसके फाउंडर हैं, उसके क्रिएटर हैं, और ये परिवार ऐसा ही अपना ऐसा समूह समागम बनाता रहे। क्योंकि आप एक राष्ट्र आंदोलन बन चुके हो, यू आर ऑलरेडी अ नेशनल रेवोल्यूशन, यू आर अ रेवोल्यूशन।